ईडी की पूछताछ के एक दिन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम जांच से नहीं घबराते, चाहे जितना सवाल है करें, लेकिन ईडी पहले ये बताए कि क्या सिर्फ पिछले 2 सालों में घोटाले हुए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा अपने पुराने पाप हमारे मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रही है, अगर जांच करनी है तो उनकी भी करो जिनके कार्यकाल में इन घोटालों की शुरुआत हुई और फल फूल कर ये वट वृक्ष बन गए। तो अपने संबोधन में यहां पर एक बार पलटवार करते हुए दिखे हैं सीएम हेमंत सोरेन। उन लोगों का अपना सवाल जवाब होता रहा, हमने उनसे कहा क्या जो आरोप आपने लगाया है क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है, तो उनका कहना है ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा जब 2 साल का आरोप नहीं है तो 10 साल का भी तुम नहीं बोलते हो भाई। हमने उनको आश्वस्त किया है आप दूध का दूध पानी का पानी करो, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसका भी विरोध हम लोग करने की ताकत रखते हैं। पूरा देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के अंदर उनकी कार्रवाई चल रही है, इसका सवाल का जवाब इन एजेंसियों को भी देना चाहिए। क्यों आज चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो केरल हो चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज का लोग दूध का दूध दूध का धुला हुआ है क्या? अगर आपको संवैधानिक पद पर बैठाया गया है तो संवैधानिक पदों का निर्वाह। तो ईडी से हुई पूछताछ के बाद इस संबोधन के बारे में थोड़ा और जानकारी के लिए सीधे लाइव जुड़ते हैं हमारे सहयोगी पंकज प्रसून से, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, यहाँ पर बात हो रही थी कि 9 घंटे लगभग पूछताछ हुई, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज या बात करने के तरीके में थोड़ा बदलाव देखा जाएगा हेमंत सोरेन का, लेकिन आज जो ये जोरदार उन्होंने संबोधन किया है जनता को और कहा है कि ये जितने भी आरोप लग रहे हैं घोटाले के, ये आरोप सिर्फ 2 साल के नहीं हो सकते घोटाले, आपको शुरुआत से सारी जांच करनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। देखिए प्रभा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बात तो सही कह रहे हैं, ईडी से कल उनकी पूछताछ हुई, उन्होंने कहा कि हम हर जांच का हर पूछताछ का स्वागत करते हैं लेकिन इसका इंटेंशन सही होना चाहिए, ईमानदारी से जांच हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि ईडी के अधिकारियों से मैंने पूछा कि क्या आप जितने घपले घोटाले की बात कर रहे हैं ये 2 साल में संभव है, तो इसके जवाब में ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि हम 2 साल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आप 8 साल की भी तो बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने पाप हमारे मत्थे मढ़ने की कोशिश ना करे भाजपा, तो ये अपने पाप क्या है? क्या मुख्यमंत्री का इशारा इससे पहले की सरकार पर है? क्या मुख्यमंत्री ये कहना चाहते हैं कि जो भी 1,000 करोड़ के जो भी घोटाले के आरोप हैं वो सिर्फ 2 साल में न होकर इससे पहले भी ये शुरू हुए थे? तीसरी बात जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी राज्य में आप ले लीजिए, ईडी की जब भी जांच हो रही है तो वो सिर्फ विपक्ष के राज्यों में हो रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे बिहार हो केरला हो बंगाल हो झारखंड हो, बीजेपी शासित राज्यों में कभी कोई जांच ईडी का छापा वगैरह क्यों नहीं होता? और मुख्यमंत्री ने यही कहा कि जांच हो, उन्होंने ईडी अधिकारियों से भी कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आप निष्पक्ष आपको होकर जांच करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2019 के पहले जो भी कुछ होता रहा उससे तो आप आंख मूंद लें, लेकिन दिसंबर 2019 के बाद जो हो रहा है उसकी आप जांच करना शुरू कर दें। और जांच में भी वैसे लोगों का आप नाम हमसे पूछ रहे हैं
कि जिनके तार इससे पहले की सरकारों से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारे में उन्होंने कहा कि जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं वो कौन लोग थे, किसके कार्यकाल के दौरान झारखंड आए, किसके कार्यकाल के दौरान घोटाला शुरू हुआ, वो फले फूले कैसे, इन सब की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई उस दौर की बात कर रहा है जब ये लोग पकड़े गए। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज काफी कंपोज नजर आए और उनके आरोप भी बिल्कुल बिंदुवार थे, और अब देखना यह होगा कि भाजपा की ओर से इसके जवाब में क्या कुछ आता है। बिल्कुल पंकज प्रसन्न, और जानना चाहूंगी कि इसके बाद क्या ईडी की जो ये जांच चल रही है इसकी जो दिशा है थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट आउट किया है सीएम ने कि 8 साल का जो ब्यौरा उस पर आप अगर लेकर के जांच करें तो शायद जो दिशा है वो थोड़ी बदल सकती है और बीजेपी कह सकते हैं वो भी इसके घेरे में आ सकती है। देखिए प्रभा, ईडी अपने तरीके से जांच करती है, कौन क्या बाहर क्या बयान देता है इससे ईडी की जांच पर असर भी नहीं पड़ता, उनके अधिकारियों पर भी असर नहीं पड़ता। वो बिल्कुल इस मामले में प्रोफेशनल होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं और उनकी सारे उनका सारा प्रशिक्षण है इसी को लेकर होता है। लेकिन जो सवाल आज मुख्यमंत्री ने उठाया वो सवाल पहले से उठाए जाते रहे हैं। समाचार प्लस ने भी पहले भी हमने ये कहा कि दो दो प्रेस रिलीज ईडी की आई थी जिसमें सारे अवैध खनन के मामले 2013 से अब तक ये लिखा हुआ था। तो जब ईडी की प्रेस रिलीज खुद कहती है कि सारे जब ये अवैध खनन हुआ वो 2013 से अब तक हुआ, तो जांच सिर्फ 2019 से 2022 की ही क्यों हो। इसी तरह मनरेगा घोटाले में भी जो भी पूजा सिंघल वाला मामला आया वो किस दौरान ये घोटाला हुआ, जब वो खूंटी की डीसी थी, और जब वो खूंटी की डीसी थी तो राज्य में किसकी सरकार थी। तो सिर्फ पूजा सिंघल क्या अकेली ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अकेले अपने दम पे सारा कुछ घपला घोटाला कर दिया, सिर्फ उनको सजा मिल गई। ये प्रेम प्रकाश कौन थे, कब आए थे झारखंड, किसके बुलाने पर आए थे, किसके इशारे पर इन्होंने काम करना शुरू किया। और एक महत्वपूर्ण बात प्रभा, ये दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि 28 फरवरी 2018 रात के करीब 10 बज रहे होंगे, अरगोड़ा थाने में उस वक्त के भोर सिंह यादव उपायुक्त थे, नहीं एसडीओ थे, वो शायद ट्रेनिंग पे आए थे, एसडीओ थे, वो अरगोड़ा थाने में प्रेम प्रकाश के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे। और उसी दौरान पहले उनके पास प्रेम प्रकाश का फोन आता है, उससे उनकी बकझक होती है, अचानक सामने से फोन रख दिया जाता है, फिर एक अज्ञात इंसान का फोन आता है भोर सिंह यादव के पास, और झुंझलाकर भोर सिंह यादव फोन रखते हैं, वहां से चले जाते हैं ये कहते हुए कि ऐसे हालात में काम कौन कर सकेगा। ये पूरे वीडियो है, ऑडियो है, इसका सोशल मीडिया पर वायरल है। सरयू राय ने खुद अपने टेलीग्राम से, अपने ट्विटर पोस्ट से इसको वायरल किया था। तो वो कौन सा अज्ञात शख्स था जिसने उस वक्त प्रेम प्रकाश को बचाने की कोशिश की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकी। इन सारे सवाल जो कि सार्वजनिक मंचों से जब तब उठाए जाते रहे हैं, आज वही सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाए कि जब गड़बड़ 2013 से थी तो जांच 2019 से क्यों। बिल्कुल पंकज, तो क्या यही कारण है कि जो बीजेपी है यहाँ की झारखंड की वो थोड़ी बचती दिख रही है इस पूरे मामले से, क्योंकि जो ईडी से पूछताछ होने वाले थे उसके पहले भी बैठक होने वाली थी, तो बीजेपी का भी देखा गया कि वर्चुअल मोड पर बैठक हुई और कहीं भी कोई बयान नहीं दिया गया इसे लेकर। देखिए इन तमाम आरोपों पर बीजेपी की ओर से तब जब तब डिफेंस भी आता रहा है, जो बचाव में वो कहते हैं कि अगर ठीक है जो बीजेपी नेताओं का कहना है वो मैं दोहरा देता हूं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री को पता है कि ये सारे घपले घोटाले 2013 से हुए हैं तो वो जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। आज उनकी सरकार को 3 साल हो गए हैं, वो खुद आज सार्वजनिक मंचों पर तो मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि उनके जमाने का पाप, उनके जमाने का पाप। तो आप मुख्यमंत्री हैं ना, उस पाप का पर्दाफाश कीजिए, आप जांच कराइए। अगर जांच नहीं हो रही है तो आपको आरोप लगाने का सिर्फ हक नहीं है। ये बीजेपी नेता अपने डिफेंस में, ये बचाव में ये कहते रहे हैं। दोनों ओर से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आज कुछ कहा कि जब घपला घोटाला 8 साल का है तो सिर्फ 2 साल की जांच की, वो भी सत्य है। लेकिन बीजेपी नेताओं का ये बचाव, ये बयान भी सही है कि मुख्यमंत्री जांच क्यों नहीं करवा रहे अगर सचमुच उतनी गड़बड़ी थी तो। तो देखना यह हुआ कि सिर्फ राजनीति होती रहेगी, सिर्फ मंचों से भाषण होते रहेंगे या सचमुच ठोस कुछ होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल आपसे रहेगा, स्कोरिंग का मामला ज्यादा लग रहा है निष्पक्ष जांच का। इस पूछताछ के बाद सुबह में यूपीए विधायकों के साथ बैठक हो गई सीएम हेमंत सोरेन की, उसके बाद वो सीएम आवास से बाहर आए, जनता को संबोधित किया, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है सीएम हेमंत सोरेन की। देखिए फिलहाल जो इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि
अब कुछ दिनों का इंतजार होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या ईडी दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाती है फिर से पूछताछ के लिए, वो बुलाती भी है तो कब बुलाती है। इस दौरान यहाँ जो सरकार की एक्टिविटीज़ क्या रहती है, वो कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये तीनों घटक दल हैं। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, झारखंड में यहाँ निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन धीरे धीरे करके आ रहा है। कल हमने दर्शकों को बताया कि रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई कि मेयर पद पे कौन कहाँ से लड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का आ गया, आने वाले वक्त में वार्ड का भी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो भी बदलने वाली है। पहले हो सकता है जहाँ कोई महिला लड़ रहा हो वहाँ पुरुष लड़ेगा, तो इन सब में पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता ही इन्वॉल्व होते हैं। तो बीच में ये चलता रहेगा झारखंड में, और दूसरी ओर ये जांच और पॉलिटिकल जो पोजीशनिंग है, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अब तक जो कुछ भी हुआ और दोनों ओर से जिस तरह के आरोप लगे, उससे ये लगता है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मामला ज़्यादा और ईमानदार जांच का मामला कम लग रहा है। चाहे सत्तारूढ़ दल भी यही कह रहा है कि घपला हुआ 2013 से और लेकिन जांच हो रही है 2019 से, विपक्ष भी ये कर रहा है कि जब 2013 से घपला घोटाला हुआ तो आप जाँच करा लीजिए, और दोनों ओर से सिर्फ बयान आ रहे हैं, जाँच हो नहीं रही है। हालांकि एसीबी से जांच के आदेश कुछ मामलों में दिए थे, लेकिन वो जांच क्या हुआ, उसकी परिणति क्या हुई, अब तक किसी को नहीं पता। उसके भी करीब 1.5-2 साल बीत चुके हैं। झारखंड में अक्सर ऐसा ही होता है, बयान ज्यादा होता है, ईमानदारी से जांच कम होती है, और शायद इसलिए किसी निष्कर्ष तक जल्दी नहीं पहुंचा जाता। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।